नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के पास मन की बात के 100 एपिसोड पूरे करने का समय है। श्रमिक के 100 दिन के काम की धनराशि देने का नहीं, कहा अभिषेक बैनर्जी ने। उधर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और वादा किया कि उनकी पार्टी हर कदम पर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। प्रधानमंत्री के रेडियो शो की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने कहा, प्रधानमंत्री मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर सकते, लेकिन वो 100 दिनों के काम के लिए बकाया धनराशि देने में असमर्थ है। वर्तमान में बंगाल की एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे दिसंबर 2021 से 100 दिनों के काम के लिए केंद्र से कोई फंड नहीं मिला है। पार्टी के महासचिव ने कहा, इस राज्य ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को वोट दिया था, सिर्फ इसी वजह से भाजपा शासित केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए आवंटित केंद्र फंड के 1.15 लाख रुपए रोके हैं। अभिषेक बनर्जी वर्तमान में 60 दिनों की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। हमारा जात पात मृत्यु नहीं है, राजनीति कोड़ी ना हमारे का राजनीति होच्छे रोटी कपड़ा मकान मानुषेर अधिकार উন্নত মানের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মসংস্থান মাথার উপর ছাদ পরনে বস্ত্র পেটে রুটি মানুষকে মানুষের জুটছে না দুটো রুটি আর দুমুঠো ভাত আর প্রধানমন্ত্রী সারা দেশ জুড়ে করছে মন কি বাত 100তম পর্ব 100তম অধ্যায় আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আপনি 100তম পর্ব করেছেন কিন্তু 100 দিনের মানুষের টাকা বন্ধ একটা রা শব্দ আপনার মুখ থেকে বেরোয়নি। अभिषेक बैनर्जी की जनसंपर्क यात्रा में शामिल होने 3 मई को मालदा आएंगी ममता बैनर्जी। पंचायत चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री जिले के लिए कर सकती है खास घोषणाएं। मालदा में पश्चिम बंगाल में आनसन पंचायत चुनाव से पहले ही जहां तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी की साफ सुथरी छवि बनाने के लिए जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, वही दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका साथ देने के लिए मालदा आने वाली है। राज्य सचिवालय सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री 3 मई को मालदा पहुंचेंगी, 4 मई को उनकी मालदा जिले के साथ प्रशासनिक बैठक है। खबर की सफर के पहले दिन ही मुख्यमंत्री अभिषेक से मिलकर उन्हें बधाई देंगी और जनसंपर्क के लिए लोगों की बेहद खास संदेश दे सकती है। निर्माण के अगले दिन ही धसी पक्की सड़क, नगरपालिका पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। कुचबिहार में घटिया सामग्री से पक्की सड़क निर्माण की शिकायतों को तूफानगंज में स्थानीय लोगों ने नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं भाजपा का दावा है कि कटमनी लेने के कारण सड़कों की गुणवत्ता खराब है। आरोप है कि जहां एक सड़क बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, वहां नगरपालिका ने 1 दिन में ही सड़क बना दी। नई सड़क कल बनी थी और आज ही सड़क के कई हिस्से धंसने लगे। नगरपालिका उनकी सेवाएं देने में पूरी तरह से विफल रही। भाजपा तूफानगंज नगर मंडल अध्यक्ष बिप्लव चक्रवर्ती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तूफानगंज नगरपालिका नहीं कटमनी नगरपालिका बन गई है। रास्ता है नहीं, हमारा रास्ता माटी ऊपर खाली इसे दिए रखते गुड़े पाथर दिए আর খালি পিচ একটু দিয়ে রাখছে, রাস্তা তো রাত্রি দিয়ে ভাঙছে, আজকে তো গাড়ি গেলে আবার তো রাস্তা ভাঙবে। তাহলে এই যে কি রাস্তা হয়েছে, এখন বর্ষা আসলে তো রাস্তা যাবে, তাহলে তো আমাদের আগের রাস্তা ভালো ছিল, ভাঙা রাস্তা। কি যাচ্ছেন এখন আপনারা? আমরা রাস্তা ভালো যাচ্ছি, আমাদের রাস্তা ভালো লাগবে। আর যদি রাস্তা ভালো না করে তাহলে ওগুলো তো সব নিয়ে যাক, আমাদের ভাঙা রাস্তায় ভালো। সঠিকভাবে কাজ হয়নি? না, কোনো সঠিকভাবে কাজই করেনি, এগুলো খালি কোনো রকম খালি একটু লেপ দিছে, তাহলে কালকে পাকা রাস্তা করছে আজকে ভাঙছে। मई दिवस पर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समारोह आयोजित। सिलीगुड़ी में मई दिवस के अवसर पर न्यू जलपाईगुड़ी इंटक द्वारा सोमवार को डीएस कॉलोनी क्षेत्र में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन क्षेत्र में काम करने वालों श्रमिकों के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। इंटक के अध्यक्ष सुजय सरकार ने आज सुबह इंटक पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया, साथ ही श्रमिकों को निःशुल्क कपड़े वितरण व स्वास्थ्य जाँच किया गया। इस अवसर पर न्यू जलपाईगुड़ी क्षेत्र में लंबे समय से रिक्शा चलाने वाले एक रिक्शा चालक की भी मदद की। यूनिटे तारा तादेर आईएनपीटीसी पताका तारा उत्तोलन करछे, आमराओ आमादेर जे एनजीपी मेन कार्यालय सेखाने पताका उत्तोलन सह आरो किछु अनुष्ठान रेखेछिलाम सकाले। एखन आमादेर एई जे यूनिट रेलवे ठिका श्रमिक
ইউনিট, এই ইউনিটের পক্ষ থেকে মোটামুটি মানে একটা একটা মানে বড় প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। সেখানে বস্ত্র বিতরণ সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ এবং শ্রমিকদের দ্বিপ্রাহারিক আহার गौरा मोमो सौरनी पानीघाट समष्टि के तहत खड़बनी निवासी राम राय को दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज जिम्बा ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। पीड़ित राम राय कैंसर से पीड़ित है और वर्तमान में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण जब उनसे विधायक नीरज जिम्बा को सहयोग के लिए पत्र लिखा तो विधायक जिम्बा ने अपनी निजी कोष से आर्थिक सहयोग प्रदान किया। परिवार व समाज की ओर से बोले समस्ति सचिव दीपक गजमेर, विधायक ने जिम्बा का जताया आभार। नहीं वहाँ बासो के आर्थिक सहयोग वहाँ लो दवाई औषधी के लिए पठाईदि भाग मिरिक ब्रांच का अध्यक्ष श्री महेन्द्र खड़का जीवलाई वहाँ ने सोही तपाईबाट दिनुभएको आर्थिक सहयोग लिएर आज आइतबार को दिन 30 तारीख आएर वहाँ को हाथ में वहाँ ने नहीं। INTTUC की पहल पर आयो स्टैंड पर मजदूर दिवस आयोजित। मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संघ INTTUC की पहल पर मजदूर दिवस मनाई गई। इस तरह सोमवार की सुबह मालदा के हबीबपुर ब्लॉक के आयो ट्रक, मिनी ट्रक एवं ट्रक चालक मजदूर संघ द्वारा दिवस मनाया गया। मालूम हो कि सुबह तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC द्वारा संचालित ट्रक, मिनी ट्रक और वर्कर्स यूनियन द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष मानव बैनर्जी, सचिव और श्रमिक संगठन के विभिन्न कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विभिन्न जगह आज के पता उत्तोलन को आज के दिन आंतर्जातिक श्रमिक दिवस यही दिन श्रमिक 8 घंटा ड्यूटी এর যে অধিকার সেটা সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ফলে এই দিনটাকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে, সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা এই দিনটা পালন করি সকালে উঠে সমস্ত শ্রমিকরা। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यो मई दिवस मा सबै को मुहार मा मुस्कान ल्याउना अनि भाग्य बदलिन आयो नागालैंड सरकार को डियर 1000 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 1000 रुपया, ड्रॉ 6 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। करोड़पति बनाउने चाबी हो डियर लॉटरी। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। ये वुडन फ्लोरिंग है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ 65 रुपीज ऑनवर्ड्स। 8 mm थिकनेस होती है, वाटर रेजिस्टेंस है। ये जैसे इसमें 20-25 कलर्स है, इसमें जैसे 4 कलर्स हैं। वुडन फ्लोरिंग में काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं। ये विथ ग्रुप वाली डिजाइन है, ये विदाउट ग्रुप वाली डिजाइन है। इनमें सब में 5 कलर, 6 कलर करके आते हैं। एक दिन में एक इंस्टॉलर एक रूम कंप्लीट कर सकता है आराम से। ये प्योर वुड फ्लोरिंग है, 1 inch थिकनेस में है, इसमें 1/2 inch थिकनेस की भी बनती है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। अ कंप्लीट IT एंड सिक्योरिटी सर्वेलेंस सॉल्यूशन, फ्रॉम हाई एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग सॉल्यूशंस टू बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, फ्रॉम CCTV कैमरास टू एक्सेस कंट्रोल, फ्रॉम फायर अलार्म्स टू व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वी डू इट ऑल। सिक्योरिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, बैंक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, होटल्स, रिटेल चेन, पुलिस, प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट और होम। Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP, Siliguri, 9434023813. IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास।
स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। देवश्री चौधरी के नेतृत्व में इस्लामपुर बस टर्मिनस में भाजपा ने दिया धरना। उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा की ओर से विभिन्न मांगों में इस्लामपुर बस टर्मिनस पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में रायगंज की सांसद देवश्री चौधरी सहित भारी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। कालियागंज सहित राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार और दुष्कर्म, भाजपा कार्यकर्ताओं की चुन चुन कर हत्या, पुलिस की बर्बरता, भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस द्वारा हत्या आदि को लेकर विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग में बस टर्मिनस पर धरना और विरोध कार्यक्रम आयोजित की गई। बालूघाट में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने हिली इलाके में करोड़ों रुपए के सांप का जहर पकड़ा। BSF की ओर से जारी बयान में बताया गया कि सुबह के समय दक्षिण दिनाजपुर जिले के गेसपुर सीमा चौकी इलाके में सीमा पर गैर कानूनी तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई थी। संबंधित क्षेत्र की तलाशी लेने पर मेड इन फ्रांस का टैग लगा हुआ जार बरामद किया गया, जिसमें सांप का जहर भरा हुआ था। इसे बालूघाट वन विभाग को सौंप दिया गया। BSF का कहना है कि जवानों की मौजूदगी की भनक लगने के बाद दो तस्कर मौके से फरार हो गया, फिलहाल उनकी तलाश जारी है। मई दिवस पर सिलीगुड़ी में वाम मजदूर संगठन द्वारा पदयात्रा। सिलीगुड़ी में ऐतिहासिक मई दिवस के अवसर पर सिलीगुड़ी में वाम मजदूर संगठन द्वारा पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा सिलीगुड़ी मलागुड़ी से होकर हिल काट रोड से होते हुए बागा ज्योतिन पार्क पर समाप्त हुई। समन पाठक के नेतृत्व में इस पद यात्रा में युवाओं का खास उत्साह देखा गया। बैंड बाजे के साथ युवा ने नाचते गाते हुए रैली में हिस्सा ली। इच्छापुरी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मालदा जिले की झोली में आया स्वर्ण व रजत पदक। मालदा जिले के खिलाड़ियों ने इच्छापुरी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण रजत जीता। 23 अप्रैल को कोलकाता में ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजन किया गया। गाजोल के रंजय शाह, हेमंत बर्मन और अनामिका टुडू ने स्वर्ण पदक जीते। सुनील दास और मृणमय घोष ने रजत और चिरंजीत पाल, निखिल विश्वास, सुभाष मिश्रा ने कांस्य पदक जीते। कोच रामाशीष दास और राजकुमार सिंह ने कहा, छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम बेहद खुश हैं। एक्चुअली एटा टाइकोंडो होच्छे प्रत्येक बच्चा जाते भालो प्लेटफॉर्म पाए, प्रत्येक बच्चा जाते ठीक भावे पार्टिसिपेट करते पारे, एवं पीछे पड़ा बच्चारा जाते खूब सहजे भालो भालो प्लेटफॉर्म पाए, एवं एर थेके जाते स्पोर्ट्स विभिन्न जायगागुलो अटेंड करते पारे। एटा एटा खेला होयेछिलो चैम्पियनशिप होयेछिलो स्टेट चैम्पियनशिप, सेटा होच्छे इच्छापुर कोलकाता। तीस्ता थम्स क्लब की पहल पर मई दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित। जलपाईगुड़ी में तीस्ता थम्स मोटरसाइकिल क्लब ने मई दिवस पर जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल ब्लड बैंक में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रॉयल इनफील्ड क्लब ऑफ नॉर्थ बंगाल के सदस्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी सहित विभिन्न क्षेत्र के इनफील्ड मोटर बाइक सवार की ओर से ये अभिन्न पहल की गई। सिलीगुड़ी तो करी, जलपाईगुड़ी तो करी, घूमे फिर करी, जलपाईगुड़ी
তো আমরা আশা করছি যে একটা নির্দিষ্ট যথেষ্ট সংখ্যায় আমরা রক্তদান এবার করতে পারবো। আর আজকের দিনটা মে দিবসের দিনে, তো ওই গরমের সময় যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে যে রক্তের একটা অভাব দেখা যায়, তো সেটাকেও মাথায় রেখে আমরা প্রত্যেক বছর ওই গরমের সময় করে থাকি। ফিলহাল কে লিয়ে ইতনা হি, আব দিজিয়ে মুঝে ইজাজত, তমাম খবরে অপডেট কে লিয়ে বনে রাইজ কে লাইভ পে।